गाजा पर फाइनल अटैक में देरी क्यों? नेतन्याहू को हमले से किसने रोका? जमीनी अटैक पर बाइडन ने लगाया ब्रेक। इजराइल और हमास की जंग के बीच में सुपर पावर अमेरिका ने तेल अवीब में खूंटा गाड़ रखा है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी बार इजराइल पहुंचे हैं। वो खाड़ी देशों की यात्रा करने के बाद इजराइल पहुंचे हैं, यानी युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता तैयार करने की कोशिश में है। एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका की यही कोशिश है कि ये जंग अब आगे ना बढ़े और किसी तरह से इजराइल और हमास में समझौता हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ब्लिंकन के कहने पर रुकने वाले हैं। और यही वजह है कि आनन फानन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेल अवीव पहुंचने का कार्यक्रम रख लिया। ब्लिंकन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो नेतन्याहू को रोकने के लिए जो बाइडन को जंग के बीच में इजराइल पहुंचने की योजना बनानी पड़े। अमेरिका के लिए इस समय सबसे जरूरी है हमास के पास बंधक बनाए गए अमेरिकियों और विदेशियों को सुरक्षित बाहर निकालना। यही वजह है कि इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने तेल अवीव पहुंचने का फैसला किया। बाइडन उस इलाके में दाखिल होने वाले हैं जहां पर हर रोज रॉकेट से अटैक हो रहे हैं, जहां पर ब्लिंकन को भी बम शेल्टर में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी, जहां हमास की मिसाइल आसमान में लगातार पहुंच रही है। और मंगलवार को तो इसराइल की संसद से नेतन्याहू और येर लैपिड समेत सभी सांसदों को भागना पड़ा। जाहिर है हालात बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही खतरनाक हैं, और इन सब के बीच जो बाइडन तेल अवीव की यात्रा पर आ रहे हैं, मकसद क्या है? 5 पॉइंटर से समझिए, जैसा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया। पहला मकसद है हमास के खिलाफ इजराइल की पूरी मदद। दूसरा मकसद है ईरान को हिमाकत न करने का संदेश। तीसरा मकसद है हमास के कब्जे से बंधकों को निकालना। चौथा मकसद है इजराइल वॉर की रणनीति को समझना। पांचवा मकसद है जंग की सूरत में आम लोगों का नुकसान कम करना। युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से ये 5 वो मकसद हैं जो ब्लिंकन ने सबके सामने जाहिर किया, लेकिन अमेरिका शुरुआत से कोशिश कर रहा है कि ये जंग आगे ना बढ़े, और इसके लिए चेतावनी भी दे चुका है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो ईरान और दूसरे इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ युद्ध में खड़े हो जाएंगे, और फिर दुनिया के व्यापार में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले पश्चिम एशिया का ये अहम इलाका वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ शुरू हुई जंग विश्व युद्ध का भी रूप ले सकती है। לנהל שגרת חיים לצד ניהול הלחימה. היכולת שלנו לנהל שגרת חיים לצד המלחמה תמונה רק בדבר אחד, בחוסן שלנו כחברה. לביקור של נשיא ארצות הברית יש חשיבות אסטרטגית. יש חשיבות אסטרטגית. החשיבות האסטרטגית שלו היא על המזרח התיכון כולו. इजराइल ने गाजा को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, हमास को जड़ से मिटा देने की कसम खाई है, और पहले दिन हमास के हमले को इजराइल का 9/11 करार देकर इजराइल ने अमेरिका को भी अपने इरादे बता दिए थे कि जैसे उसने 9/11 का बदला लेने के लिए पूरे अफगानिस्तान में तबाही ला दी, वैसे इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो इजराइल पर हमला करने वाले हरेक किरदार को, हरेक गुनहगार को जहन्नुम नहीं पहुंचा देता। और इसीलिए नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के पास मिलिट्री जोन तैयार किया और उत्तरी गाजा में 3 तरफ से हमला करने की पूरी तैयारी कर ली। और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली सेना के एक अधिकारी के हवाले से यह भी जाहिर किया कि इजराइल इस बार कब्जा करने की नियत से गाजा पर जमीनी हमला करने वाला है, और इस हमले की तारीख भी तय थी कि शनिवार को ही हमला होने वाला था, लेकिन वो हमला नहीं हुआ। IDF बार बार उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने के लिए कह रही है, और ये भी कह रही है कि इजराइल कभी भी इस इलाके में हमला कर सकता है, लेकिन अब तक नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन की फाइल पर साइन नहीं किया है। आखिर कौन इजराइल को ऐसा करने से रोक रहा है? IDF और इजरायली सरकार की अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पर ब्रेक लगाने की कई वजहें हैं, जिसमें एक प्रमुख वजह है जो बाइडन
दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध में आम नागरिकों की जान जाए। गाजा में हवाई हमले जारी है और इसमें आम लोगों की जान भी जा रही है। इसकी वजह से अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और वो दबाव शिफ्ट हो रहा है इसराइल पर, जो हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए आमादा है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक करने के बाद भी नेतन्याहू ने अपनी ये कसम इसराइल की संसद में एक बार फिर दोहराई। जाहिर है कि अमेरिका के दबाव ने फिलहाल तो इसराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने से रोक रखा है, लेकिन सवाल है कब तक। कम से कम तब तक तो नेतन्याहू रुके रहेंगे जब तक बाइडेन अपनी इसराइल यात्रा समाप्त नहीं कर लेते। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध के माहौल में इसीलिए तेल अवीव पहुंच रहे हैं ताकि वो इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोक सकें, और ये तभी होगा जब वो नेतन्याहू के गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू होने से रोक सकें।